सोलन में भाजपा और कांग्रेस ने बाक युद्ध छिड़ चुका है। नगर परिषद अध्यक्ष पवन गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर विधायक कर्नल धनीराम शौंडिल की वाणी पर विराम देने की सलाह दी है और चुप न रहने की सूरत पर गिराव करने की भी चेतावनी दी थी। इस बयान पर कांग्रेस बुरी तरह से तिल मिला गई है। कांग्रेस पूर्व जिला अध्यक्ष सरदार सिंह और शहरी अध्यक्ष अंकुश सूद ने प्रेस वार्ता का जवाब प्रेस वार्ता से ही दिया और कहा कि नगर परिषद पूर्व अध्यक्ष जिनका खुद का वार्ड आज की दिशा में गंदगी के भंडार से भरा हुआ है, जिनके वार्ड में विधायक निधि के पैसे से विकास करवाया जा रहा हो, वह आज कर्नल धनीराम शौंडिल से विकास का हिसाब मांग रहे हैं और जो कि एक दुख का विषय है। कांग्रेस पूर्व जिला अध्यक्ष ने कहा कि सोलन में जितने भी विकास कार्य चल रहे हैं वे सभी कार्य विधायक निधि से ही चल रहे हैं। सामती बाईपास हो या रेस्ट हाउस की पार्किंग या पैदल पथ या सभी कार्य धनीराम शौंडिल की ही देन है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा ने सोलन में खुद तो विकास का एक भी कार्य पिछले दो वर्षों में किया नहीं, बल्कि जो विकास कार्य किए जा रहे हैं उनमें भी रोड़े अटका दिए हैं। उन्होंने भाजपा नेताओं को चेतावनी दी है कि कर्नल धनीराम शौंडिल के घेराव की बात कह रहे थे तो वह भी उस घेराव का मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार हैं। वहीं शहरी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश सूद ने कहा कि अगर भाजपा को घेराव करने का ही शौक है तो पहले जाकर नगर परिषद का घेराव करे, क्योंकि नगर परिषद की अव्यवस्थाओं से आज शहर का हर नागरिक दुखी है। उन्होंने कहा कि पानी की व्यवस्था चौपट है, शहर से कूड़ेदानों को हटाकर स्वच्छ सोलन को कूड़ेदान बना दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पार्षद नगर परिषद अध्यक्ष से पानी के मुद्दे को लेकर उलझे हुए हैं। कुछ ही समय बाद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास मत भाजपा के पार्षद डालते रहते हैं। अंकुश ने कहा कि उनके नेता कोई भू माफिया नहीं है कि वह जहां जाए वहां आलीशान बंगला बना लें। इसके लिए कर्मठ और ईमानदार छवि के नेता विधायक धनीराम शौंडिल रेस्ट हाउस के एक छोटे से कमरे में रहते हैं ताकि वे शहर वासियों की समस्याओं को सुन सके। अरनी यूनिवर्सिटी काठगढ़ इंदौरा का समस्त स्टाफ पिछले कई महीनों से वेतन को तरस रहा है तो वहीं जहां पढ़ने वाले बच्चे भी समस्याओं से जूझ रहे हैं। जहां स्टाफ को बिना वेतन के कार्य करना पड़ रहा है तो यूनिवर्सिटी की दर्जनों समस्याओं को लेकर अरनी यूनिवर्सिटी के बच्चों का एक प्रतिनिधि मंडल सीएमसी विधानसभा में मिला और उन्हें समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं सीएम ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया है कि वे जल्द ही उनकी समस्या को शिक्षा मंत्री के सामने रखेंगे और इसका हल निकालने के आदेश देंगे। प्रतिनिधि मंडल ने सीएम को बताया कि समस्याओं को लेकर वे कई बार अरनी यूनिवर्सिटी में प्रबंधक कमेटी के खिलाफ धरने दे चुके हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से मात्र आज तक आश्वासन ही मिले हैं। जनवरी माह में हिमाचल को 350 नए डॉक्टर मिल जाएंगे, साथ ही इसी माह 100 नए एम्बुलेंस भी सड़कों पर दौड़ेंगी। तपोवन विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल टांडा आईजीएमसी शिमला से 100-100 व एमएमयू से 150 डॉक्टर पढ़ाई पूरी कर निकलेंगे। इंटरव्यू से डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी। वहीं जयराम सरकार के दो साल पूरे होने पर 27 दिसंबर को 100 नई एम्बुलेंस सड़क पर उतारी जाएंगी। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिस वक्त पूर्व की कांग्रेस सरकारों ने अस्पताल खोले थे तो तब उन्हें डॉक्टरों की चिंता नहीं थी। बीजेपी सरकार ने दो साल में 800 डॉक्टर, 300 स्टाफ नर्स व 350 फार्मासिस्ट सहित लैब टेक्नीशियन आदि की तैनाती की है। उन्होंने कहा कि इस साल के अंत तक 1,00,000 लोगों के स्वास्थ्य उपचार पर 100 करोड़ से अधिक खर्च करने वाली पहली सरकार बनेगी जयराम सरकार।